हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी का कलर करने वाला हूँ और इसके लिए मैं कैमल की 12 सेट वाला ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को लोकल मार्केट में 35 रुपीज में इजीली मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो जो भी नहीं देखा जरूर से देख लेना, वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और कलर करने से पहले आपका भी अगर आउटलाइन थोड़ा सा डार्क हुआ है तो पहले हल्के हाथ से इरेज कर लेना, बेसिकली आप आउटलाइन को समझ पाओ उतना ही रखना। ओके, अभी रिफरेंस फोटो में आप लोग देखो कहाँ पर एक्चुअली डार्क है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिफरेंस फोटो में आईब्रो में, लेफ्ट साइड में पूरा ही गला में, आई की आसपास, तो वो सब के लिए मैं सबसे पहले इस कलर से लाइट टू डार्क शेडिंग करूंगा। बेसिकली जहाँ पर भी ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर ज़्यादा पेसर को अप्लाई करूंगा और कम डार्क एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग करूंगा। और इस तरह से ऑयल पेस्टल को किसी भी कटर से शार्प कर लेना, इससे आप बहुत ही इजीली डिटेलिंग कर पाओगे। तो जैसे कि मैं बोला यहाँ पर लाइट टू डार्क शेडिंग करना है पेसर को कम या ज़्यादा करके, तो मैं उसी तरह फुल फेस के ऊपर कलर से शेडिंग कर लेता हूँ। तब तक आप लोग देखो प्रैक्टिकली मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अभी फ्लेश टिंट कलर से एकदम से जो लाइट एरियाज है उसको छोड़ के या फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग शेडिंग कर सकते हो हल्के हाथ से, और बाकी जो भी एरियाज है फुल एरियाज फ्लेश टिंट से कवर करना है। और ब्राउन कलर से जो भी शेडिंग किया हो उसके ऊपर भी इसको ऐड करना है। बाकी आप लोग देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अभी जो भी लाइट एरियाज है वहाँ पर सिंपली व्हाइट से शेडिंग करना है, थोड़ा प्रेशर देके शेडिंग करना और कहीं पर भी कलर को खाली मत रखना, नहीं तो ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। और अभी लिप्स में रेड कलर से लाइट एरियाज को छोड़ के शेडिंग करना है और बाकी जो भी लाइट एरियाज है वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग करना है, और फेस के ऊपर भी डार्क एरियाज में रेड से हल्के हाथ से शेडिंग कर देना। और सेम वही डार्क एरियाज में ऑरेंज से एक बार हल्के हाथ से शेडिंग कर देना। और अभी इसको ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कॉटन बर्ड का यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी कॉटन बर्ड का यूज करना, इससे पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ब्लेंडिंग करने के बाद जहाँ पर भी आप लोगों को लग रहा है हाँ यहाँ पर थोड़ा और लाइट होना चाहिए, वहाँ पर आप लोग व्हाइट से शेडिंग कर सकते हो। ओके, अभी मैं डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ पर भी थोड़ा और डार्क होना चाहिए था वहाँ पर भी इसी से मैं शेडिंग करूँगा। और एकदम से जहाँ पर भी आप लोगों को डार्क चाहिए वहाँ पर आप लोग ब्लैक मार्कर पेन का यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर टेक्निकल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। और पागड़ी में जो भी भाज है या फिर डिटेलिंग आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पर मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली जो भी डिटेलिंग है उसी हिसाब से रेड कलर से शेडिंग करना है, बाकी मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो आप लोग देखकर भी कर सकते हो। ओके, अभी ऑरेंज कलर से रेड के ऊपर और उसके आसपास शेडिंग करना है लाइट एरियाज को छोड़ के। और बाकी जो भी एरियाज है उसके लिए मैं पहले लाइट येलो का यूज कर रहा हूं।
और अभी जो भी एडियस में लाइट येलो से शेडिंग किया था उसी के ऊपर व्हाइट से शेडिंग करना है। ओके, अभी इसको भी कॉटन बार्ड से ब्लेंडिंग कर लूंगा। आप लोग जैसे तैसे करके ब्लेंडिंग मत करना, थोड़ा पेशेंस के साथ करना और डिटेलिंग की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग करना। और लास्ट में पगड़ी की डार्क एरियाज के लिए आप लोग ब्लैक कलर पेंसिल का यूज कर सकते हो। और अभी शर्ट के लिए आई डोंट थिंक कि कुछ बोलने के होए, जिस तरह से मैं पगड़ी किया था उसी टेक्निक का यूज करके मैं शर्ट की कलर करूंगा, बट इसमें उतना भी हार्ड नहीं है तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ आप लोग देखकर भी कर सकते हो। और अभी बैकग्राउंड के लिए लेफ्ट साइड में फेस की आसपास व्हाइट से शेडिंग करूंगा, इस साइड थोड़ा लाइट है इस टाइप की दिखाने के लिए। और बाकी जो भी एरियाज है उसके लिए मैं डार्क ब्लू का यूज कर रहा हूँ, बट पेस्टल को राउंड राउंड घुमा के करना, जैसे तैसे करके घिस के मत कर देना। और इसके ऊपर लाइट एरियाज में फ्लेश टिंट कलर का भी यूज कर रहा हूँ। ओके, अभी बैकग्राउंड को ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ और राउंड राउंड घुमा के ब्लेंड करना, उससे बैकग्राउंड में जो स्मोकी इफेक्ट है वो आ जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से ठोकना और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नेक्स्ट ड्राइंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।